क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार है मेरा नाम। से आए हुए हैं जिला मेरठ तहसील सरदाना मैना पुट्टी से। यहाँ काफ़ी समय से वैसे आ रहे हैं, पर ये सभी पहले तो मैं ये दशहरे की शुभकामनाएं सभी जम्मू कश्मीरों को वो देना चाहता हूँ। और ये दशहरे का काम है, बड़े अच्छे से हम इसको बना रहे हैं, लोग बाग इसको देखते हैं, बनाते हैं और हम इसको बना रहे हैं। मेरे अंदाज़ में हमारा जो ठेकेदार है 30-40 साल से आ रहे हैं वो यहाँ पर, और वो इसको बनवाते रहते हैं। किस तरह ये बनाया जाता है पूरा, और क्या क्या बनाते हैं आप रावण के साथ? बस बनाया क्या जाता है, पहले बांस लाते हैं और बांस लाने के बाद में इसको जो फाड़ा फूड़ी करते हैं, इसका पूरा जो है यही बनाते हैं कि पूरा शरीर मतलब फेस वगैरह और इसका धड़ और लाते हैं और पैर सब कुछ बनाया जाता है। इसको अच्छे तरीके से बनाया जाता है, उसको सजाया जाएगा फिर बाद में। अभी तो इसके यही हो रहा है कि क्या इसको रद्दी वगैरह डाल के इसको फिट किया है, बांध के तैयारियाँ चल रही हैं और दिन रात इसको मन रहे हैं। सभी बच्चे हैं, सब तरह के हैं यहाँ पाए गए। भाई ये तो अभी मतलब कह नहीं सकते, पर हाँ रात दिन लग रहे हैं इसको, तो तैयार कंप्लीट कर ही देंगे दशहरे से 2-3 दिन पहले तक इसको कर ही देंगे। ये है बात। जब बिक्री होता है तो एक पूरा रावण कितने का? ये तो मैं नहीं कह रहा, मतलब इसकी जो है लंबाई और इसके चौड़ाई के उसके ऊपर इसका फीटों का हिसाब होता है। ये फुटों में कितना, किसको किसी को 20 फुट चाहिए, किसी को 25 फुट, किसी को, अब जैसे कि यहाँ समझ लो गीता भवन का जो है यहाँ 60 फुट का और 55 फुट के हैं, दो फुट हैं बड़े वाला रावण जो 60 फुट का है। कहाँ कहाँ ये जाते हैं? ये लेह लद्दाख जाएगा और तुम्हारे यहाँ श्रीनगर का तो अब की बार कह नहीं सकते, पर बाकी ये है रजौरी है, पुंछ है और अखनूर है और उधमपुर है ये और गांधीनगर, ये सब जगह करीब करीब जी एंड के में हमारे यहाँ से जाते हैं। ये बोल ला।